हेलो दोस्तों, टेजरॉक चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको फिलिप्स का वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग बताने वाला हूँ और उसका लाइव डेमो भी बताने वाला हूँ। तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर अमेज़न से मंगाया है, आप भी अमेज़न से खरीद सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हैं। चलो देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो पहला चीज़ तो ये है, एक्चुअली मुझे ये सब पार्ट का नाम नहीं पता, लेकिन उतना पता है कि एक एक मशीन के अंदर डाल के हम लोग क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट पार्ट निकला है। ठीक है, ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट वैक्यूम क्लीनर है, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बाई किया हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये है लंबी लकड़ी जैसा, पाइप जैसा है, मतलब अगर हम लोग को ऊपर की तरह या तो एकदम दूर जगह पे हम लोग क्लीन करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोर पे अगर हम लोग को क्लीन करना है एकदम, अगर बेड के नीचे, तो ये यूज़फुल है। ठीक है, ये देखो गोल गोल घूम रहा है तो अच्छा है, 360 घूम रहा है। और ये पाइप है, तो पाइप बेसिकली मशीन में लगाना होगा और वो यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्रश भी दिया हुआ है, सही है। ये देखो इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज तो मैं बोलूँ ना, फिलिप्स का तो ब्रांड आपको तो पता ही है, तो वो क्वालिटी एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत इसका रिव्यूज़ देखे, सब बहुत सारी जगह भी दूसरे कंपनी के भी देखे, देन मैंने ये फिलिप्स का सोचा क्योंकि फिलिप्स अच्छा ब्रांड है। तो ये है यूज़र मैनुअल। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कैसे यूज़ करना है तो इसमें सब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि कैसे क्या कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स वगैरह भी मेंशन किए हैं इन डिटेल में, तो अच्छा है। ठीक है, ये सब वारंटी कार्ड वो सब दिया हुआ है। तो ये रहा हम लोग का बड़ा सा मशीन। और क्या है बॉक्स में, कुछ नहीं है। चलो, तो ये मेन मशीन है हम लोग का वैक्यूम क्लीनर। इसमें पावरफुल मोटर आता है। ठीक है, मतलब बहुत खींचता है हवा, ये एक छोटा सा आता है उसमें इतना नहीं खींचता है, लेकिन इसका जो पावर रहता है ना बहुत पावरफुल है। तो देख सकते हैं 1900 वोल्ट का लिख बता रहा है ऊपर, वाह। और नीचे टायर भी दिया है, मतलब रिक्शा की तरह तीन टायर है, यहाँ पे घुमा सकते हैं। और यहाँ पे वायर देखो निकलता है। ठीक है, इसमें एक वायर का अच्छा दिया हुआ है, ऐसा खींचने का और बटन दबाएगा तो फटक से अंदर चला जाता है। ये सही है, मतलब हम लोग को लिपटने की ज़रूरत नहीं है। देखो वापस बताता हूँ, ऐसा खींचने का फिर बटन दबाने का, घाट करके अंदर घुस जाता है। थोड़ा बाकी रहेगा, ठीक है उतना तो हम लोग कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो एकदम मस्त क्वालिटी वगैरह है। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ से उसको निकाल सकते हैं, जो कचरा वगैरह जमा होता है ना तो ये इसके अंदर जमा होता है। ठीक है, ये कप जैसा कुछ है तो यहाँ पे फिल्टर होता है। ठीक है, और ये जाली है ना, जाली हम लोग निकाल के धो भी सकते हैं। ठीक है, तो वो भी अच्छा है, मतलब सब रिमूवेबल है, हम लोग को खुद से साफ करना है तो कर सकते हैं सर्विस वगैरह। तो चलो, सब सेट कर दिया है और यहाँ से भी जाली है तो ये भी हम लोग निकाल के धो सकते हैं। ठीक है, वॉशेबल है ये। ठीक है, सो डोंट वरी, धूल वूल तो जमेगा तो इसलिए धोना तो पड़ेगा इसको, मतलब साफ तो करना ही पड़ेगा। टायर वगैरह मस्त दिया हुआ है, मतलब घिसड़ना रहेगा ना तो घिसड़ सकते हैं, मतलब इतना हैवी नहीं है बट है। ये देखो, ये भी यहाँ पे नीचे एक टायर दिया है, मतलब ऑटो रिक्शा जो रहता है ना तीन टायर का वैसा है ये। चलो सही है, इसको अभी है ना कनेक्ट करके हम लोग लाइव डेमो देखते हैं। मेरे विंडो के उधर है ना स्लाइडिंग में बहुत सारा कचरा है। चलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कचरा, ओ बाप रे, अभी देखना। तो अभी आप देख सकते हैं सब कचरा मैंने निकाल दिया है और इसमें टब के अंदर देखते हैं कितना है। ओ बाप रे, स्टील का लोखंड का खिल्ला वगैरह, कितना धूल है, बाप रे। देख सकते हैं, अभी इसको जस्ट खाली डस्टबिन में डाल देना है, हो गया।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।